सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ जोरो FFX की फेक किल शॉट वीडियो एडिटिंग को, जो कि अभी के टाइम पे काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रही है। और अगर आप लोग के शॉर्ट वीडियो वायरल नहीं होते हैं तो जो भी मैं अभी के टाइम पे एडिटिंग ट्यूटोरियल आप लोग को बता रहा हूँ उनको जरूर से आप लोग ट्राई करके अपलोड किया करो। और अगर आप लोग को रिजल्ट चाहिए कि इस टाइप की शॉर्ट वीडियो वायरल होती है या नहीं, तो आप लोग मेरे चैनल के शॉर्ट वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हो। जो एडिटिंग मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ मैं खुद भी उसको अपलोड करता हूं, और आप लोग व्यूज जाके खुद देख लेना आ रहे हैं या नहीं। बाकी आप लोग जब भी शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हो तो उधर @VijayGFX जरूर से मेंशन कर दिया करो, तो आप लोग की वीडियो का नोटिफिकेशन मुझे आ जाता है और मैं आप लोग की वीडियो जरूर से देखूंगा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आप लोग को इस वाली लोकेशन पे आ जाना है, और यहाँ पे आप लोग को एक मैप कोड लगेगा जो कि आप लोग को कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग को क्या करना है, इस वाले मैप कोड को डाल के अपने फ्रेंड के साथ में आ जाना है। देन रिकॉर्ड कैसे करना है, आप लोग को यहाँ से भाग के जाना है और ऊपर जाने के बाद में आपको जंप करके फायर कर देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये कॉर्नर में गेमिंग वाले बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पासवर्ड मांगेगा तो आप लोग 914 डाल देना। देन आप लोग को लास्ट वाली बटन पे क्लिक करके इनविजिबल कर लेना है और यहाँ से भागते हुए जाना है अपने दोस्त के पास में जो कि यहाँ पे खड़ा था, ठीक है। अब उस पे आप लोग को यहाँ पे फायर कर देना है और दोस्त को बोल देना कि रिकॉर्डिंग ऑन रखे, ठीक है। तो आप लोग जैसे ही फायर करोगे तो यहाँ पे आपका रिकॉर्डिंग का काम पूरा हो चुका है। अब आप लोग को कैपकट में आ जाना है। सो कैपकट में आने के बाद में आप लोग को अपनी रिकॉर्डिंग को लेके आ जाना है, और यहाँ पे गाइस आप लोग को एस्पेक्ट रेशियो में 9:16 सिलेक्ट करके अपनी वीडियो को जूम कर लेना है, और जो आपके फ्रेंड की क्लिप थी किल वाली उससे भी उसको लेके आप लोग को इसमें इंपोर्ट करना है और उसको भी आप लोग सेम जूम कर लेना, ठीक है। अभी आप लोग को म्यूट क्लिप ऑडियो पे क्लिक करना है ताकि आपकी क्लिप में जो भी ऑडियो रहेगा वो म्यूट हो जाए, ठीक है। अभी आप लोग को एक म्यूजिक को लेके आना है जो कि आप लोग अपनी वीडियो में यूज करोगे, जिससे आप लोग अच्छे से सिंक कर पाओ। तो मैं ओवरले में जाके उसको लेके आ जाता हूँ। तो ये गाइस हमारी क्लिप है, इसमें से हम ऑडियो एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को नीचे स्लाइड करना है और आप लोग को एक्सट्रैक्ट ऑडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, आप लोग इस पर क्लिक कर देना। देन ऊपर आप लोग के सामने आपकी जो भी लेयर है, जो कि आप लोग की वीडियो की लेयर रहेगी, उसको आप लोग डिलीट कर देना, क्योंकि हमारे पास में म्यूजिक आ चुका है। अब हम देखते हैं हमको कहाँ पे एकदम सही से लगेगा, तो पहले इसको सुन लेते हैं एक बार। सो यहाँ पे गाइस जो बीट है हमारी वो नीचे है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये हमारी बीट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फायर होना चाहिए, लेकिन हमारा फायर थोड़ा सा लेट हो रहा है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, वीडियो पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको स्पीड में आके यहाँ पे इसकी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा देना है, जैसे कि मैं 1.4x करूँगा। अभी पहले देख लेते हैं कहाँ पे सही लगेगा। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा जल्दी हुआ है, तो स्पीड को कम करेंगे। ऐसा करके आप लोग अच्छे से चेक कर लेना जहाँ पे आप लोग की बीट पे मैच हो जाए, ठीक है। सो ये एक बीट है और यहाँ आना चाहिए, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा जल्दी हो रहा है, इसको हम 1.1 कर लेते हैं। तो यहाँ पे गाइस हमारा सही है एकदम, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे स्प्लिट, ठीक है। स्प्लिट करने के बाद में वीडियो के थोड़े से आगे आना है और यहाँ पे गाइस आप लोग को कर लेना है कट, ठीक है, क्योंकि हम स्लो मोशन देने वाले हैं। और यहाँ पे आप लोग 0.1x कर लेना, ठीक है। और अगर कम पड़ेगा स्लो मोशन तो हम और लेंगे। बाकी आगे की ये जो क्लिप है इसको डिलीट कर दो पूरा, ठीक है, क्योंकि हमको इतना ही चाहिए। और यहाँ पे आपको स्पीड में आके नॉर्मल में आना है और स्मूथ पे आके आप लोग बेटर क्वालिटी कर देना, ताकि आपका स्लो मोशन एकदम स्मूथ हो जाए, ठीक है। सो अभी हम प्रोसेसिंग होने देंगे। सो यहाँ तक गाइस हमारा स्लो मोशन आना चाहिए, ठीक है। आपको स्लो मोशन को यहाँ तक कर लेना है, जैसे कि मैंने आगे की साइड कर दिया है वैसे ही आप लोग कर देना, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देख लेना है कि आपका स्लो मोशन कैसा लग रहा है। ओके, तो यहाँ पे गाइस हमारी एक क्लिप पे स्लो मोशन अच्छे से हो चुका है, ठीक है। अब आप लोग को दूसरी क्लिप पे आना है। यहाँ पे जैसे कि ये आपका कैरेक्टर गिर रहा है, ठीक है, थोड़ा सा जब गिरने लगे तो आप लोग को स्प्लिट देना है, आगे की साइड में आके आप लोग को स्लो मोशन देना है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग स्प्लिट कर दो। अब इस पर भी गाइस आपको सेम करना है, आगे का जो भी है उसको डिलीट कर दो, ठीक है।
और ये जो आपकी क्लिप है इस पर आप लोग पूरा स्लो मोशन दे के यहाँ पे बेटर क्वालिटी कर देना और यहाँ पे डन कर दो, ठीक है। तो अब हम इसको भी देख लेते हैं। तो जहाँ तक स्लो मोशन है वहाँ तक आप लोग को ऑडियो को रखना है और आगे का जो भी है उसको हटा दो, ठीक है। यहाँ पे हमारी क्लिप का जो भी काम है वो हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, जैसे कि हमारा यहाँ पे स्लो मोशन लगता है, ठीक है। तो जैसे ही स्लो मोशन हमारा आता है तो आपको उस वाली क्लिप पे क्लिक करना है, नीचे आप लोग को एडजस्ट में आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको आना है HSL में। HSL में आके जो आपका ब्लू कलर है उसकी सैचुरेशन को डाउन कर देना, ठीक है। दो ब्लू कलर मिलेंगे, एक स्काई ब्लू और एक ब्लू, ठीक है। दोनों की सैचुरेशन डाउन कर देना तो आपके पास में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है, जिससे यहाँ पे एकदम हमारा जोरो FFX के जैसा हो जाएगा, जैसे कि उनका डार्क हो जाता है, जैसे किल वाला इफेक्ट आता है जब, ठीक है। तो जैसे इतना हो जाएगा अभी आप लोग को आना है उसी जगह पे जहाँ से स्लो मोशन स्टार्ट हुआ था। और डिस्क्रिप्शन में आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग को एक पैक मिलेगा, ठीक है। उसमें आप लोग को सारा मटेरियल मिल जाएगा जो कि मैं अब यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग को ओवरले में जाके लेके आ जाना है, मैं भी सबको लेके आ जाता हूँ उसको और सही से एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो हमारी रेड वाली PNG है इसको आप लोग लगाना, जैसे कि जहाँ तक जहाँ पे आप लोग की एमओ जा रही है वहाँ पे इसको लगा देना, ठीक है। और इसके बाद में आप लोग का और भी जो भी रहेगा वो सब आप लोग को लगा लेना है, मैं जल्दी से कर लेता हूँ। ये सब लगाने के बाद में आप लोग को आना है अपने वीडियो के थोड़े से आगे, ठीक है। जहाँ तक आप लोग की ये वाली क्लिप है स्लो मोशन वाली, वहीं तक इन सब को आप लोग को रखना है। बाकी जो भी आगे जा रहा है उसको आप लोग ऐसा करके स्प्लिट कर लेना, ठीक है। इसके बाद में आप लोग को आना है इफ़ेक्ट में और आप लोग को वीडियो इफ़ेक्ट में आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को एक इफ़ेक्ट यूज़ करना है जो कि आप लोग को ऊपर ही मिल जाएगा, जिसका नाम है ब्लैक फ्लैश 2, ठीक है। इसको लेके आ जाना और जहाँ से स्लो मोशन है वहाँ से आप लोग को रखना है जहाँ तक स्लो मोशन की क्लिप है ये वाली, ठीक है। तो आप लोग को कुछ ऐसा एनिमेशन देखने को मिलेगा। अब आपको क्या करना है, ये जो आपकी क्लिप है जहाँ पे सामने वाला आपका जो भी फ्रेंड है वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, तो आपको उसके भी HSL में आना है और जो ब्लू कलर है ना उसकी सैचुरेशन आप लोग इसमें भी डाउन कर देना, ठीक है, दोनों क्लिप्स में। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपकी दूसरी वाली क्लिप आती है तो उस पर आप लोग को ट्रांजेक्शन पर क्लिक करना है, जो वाइट वाला यहाँ पर एरिया मिलता है उस पर क्लिक कर देना। और आप लोग को आना है कैमरा में, और कैमरा में आप लोग को सेक वाला इफेक्ट मिल जाएगा, इसको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर सेक इफेक्ट लग जाएगा। इसके बाद में आपका जो भी ऑडियो है उस पर क्लिक करना है और आप लोग को फेड में आना है, ठीक है। और जो फेड आउट है उस पर आप लोग 0.7S कर देना, तो जब आपका वीडियो ख़त्म होगा वहाँ पे आपका ऑडियो एकदम लो हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में गाइस हमें बढ़ाना है क्वालिटी वीडियो का, तो आपको एडजस्ट में आना है, यहाँ पे आप लोग को ब्राइटनेस पे आना है और इसको आप लोग कर लेना 5, ठीक है, जैसे कि हम अपने सब वीडियो में करते हैं। इसके बाद में सैचुरेशन में आ जाओ और इधर आप लोग को 30 कर लेना है। शार्पन को आप लोग को बढ़ा लेना है, ठीक, शार्पन को आप लोग यहाँ पे 80 कर लेना, ठीक है। देन HSL में आके ग्रीन कलर की सैचुरेशन को फुल कर दो और इसके साइड में एक और कलर मिलेगा, इसकी भी जो ह्यू रहेगा उसको थोड़ा सा बढ़ा देना और सैचुरेशन को आप लोग थोड़ा सा बढ़ा देना, मतलब फुल ही कर देना, ठीक है। इसके बाद में आप लोग को एंड में आना है, यहाँ पे ग्रेन का ऑप्शन मिलेगा, ग्रेन को गाइस आप लोग बढ़ा के कर देना 30, ठीक है। देन जहाँ तक आप लोग की वीडियो है वहाँ तक आप लोग इस एडजस्टमेंट लेयर को कर देना और हमारा वीडियो यहाँ पे रेडी है, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो ये वीडियो बनाना यार काफ़ी ज़्यादा इजी था और इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, तो सब लोग वीडियो को लाइक करके जाना और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताना। सो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।